सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इकाई 2 गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हल कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गुणा क्या है। तो देखिए, गुणा है संख्याओं का योग, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि मान लो हमने 5 को 5 बार जोड़ा। तो देखिए 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 25, यानी कि 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी इसी के बराबर होगा। तो देखिए, जो योग की क्रिया है उसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं दो अंकों का गुणा। देखिए, ये दो अंकों का गुणा, तीन अंकों का गुणा, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये चैप्टर में है और कुछ लोगों को हो सकता ना करना आता हो तो लोग देख लें। तो देखिए, सबसे पहले हम दो अंकों का गुणा आप लोगों को बता देते हैं कि दो अंकों का गुणा कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 25 लिखी हुई है और 24, तो इसका गुणा देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इकाई अंक से गुणा करना शुरू करते हैं और ऊपर के दोनों अंकों में गुणा करते हैं। तो देखिए 4 × 5 = 20, 20 का यहाँ पर हो जाएगा 0, और उसके बाद फिर 4 × 2 = 8, 8, और इसमें का जो हासिल है 2 वो जुड़ेगा, 8 × 2 = 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद फिर 2 × 5 = 10, यानी कि दूसरे जो दहाई का अंक है उसको ऊपर वाली दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, और जब दूसरे अंक का यानी दहाई वाले अंक का गुणा करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई वाले अंक के नीचे जो है जगह छोड़ देंगे एक अंक, और फिर यहाँ से हम यानी कि उसी अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, या तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे या तो इसके नीचे 0 लिख देंगे। और उसके बाद फिर जब इस अंक का गुणा करना शुरू करेंगे यानी दहाई वाले अंक का, तो देखिए 2 × 5 = 10, तो इसी के नीचे लिखेंगे 10 का 0, उसके बाद 2 × 2 = 4, और एक ये हासिल 5 हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, यानी कि जो दोनों संख्याएं आई हैं इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 0 है, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 5 × 1 = 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये गुणा हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीन अंकों का गुणा देखते हैं, ये दो अंकों का गुणा हो गया, उसके बाद फिर तीन अंकों का गुणा देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए मान लीजिए संख्या है, इसका गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए सेम उसी तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक से गुणा करना शुरू करेंगे। तो देखिए 6 × 5 = 30, 30 का 0, फिर 6 × 4 = 24, और 24 और इसमें का जो 3 हासिल वाला है वो जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, 27 का 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 × 3 = 18, और एक 19 = 20, यानी 7 हासिल वाला 2, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पूरा पूरा 20। उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई के स्थान पर खाली स्थान एक छोड़ देंगे, और या तो इसके नीचे 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी कि यहाँ पर 20 का 0 यहाँ 7 के नीचे लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 × 4 = 16, और इसमें का 2 हासिल, 16 × 2 = 18, 18 का 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 × 3 = 12, और 12 × 1 = 13 हो जाएगा, हासिल वाला एक जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी एक अंक और गुणा करने के लिए रह गया है, तो इसका भी ऊपर वाली तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब सैकड़े वाले अंक का गुणा करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इकाई और दहाई दो जगह पर खाली स्थान छोड़ देंगे, और या तो 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर गुणा करके लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर
25 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20, और 20 दो 22 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 तीन 15, और 15 दो 17 हो जाएगा, और उसके बाद इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन तीनों संख्याओं का जो गुणा करके आई हैं इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर 7 में 0 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा, 13 का 3, उसके बाद फिर देखिए 3 2 5, 5 2 7, और 7 1 8 हो जाएगा, और उसके बाद 7 1 8 यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3 अंकों का गुणा जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आगे 4 अंकों का भी गुणा देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 2 4 6 5, और यहाँ पर रख लीजिए 1 2 3 4, ये मान लीजिए गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई के अंक से गुणा करना फिर शुरू करते हैं, तो 4 5 20, 20 का 0 हो जाएगा, फिर 4 6 24, 24 2 26 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 4 चौक 16, 16 2 18 हो जाएगा, 18 का 8, उसके बाद 4 दुनी 8, 8 1 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए जब दहाई वाले अंक का गुणा करना शुरू करेंगे, तो देखिए दहाई अंक का जब गुणा करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर जो है क्रॉस लगा देंगे, या तो उसके नीचे 0 लिख लेंगे। उसके बाद गुणा करना शुरू करेंगे, 3 5 15, 15 का 5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 3 6 18, 18 और 1 19, 19 का 9, और उसके बाद 3 चौक 12, 12 1 13, और उसके बाद 3 दुनी 6, 6 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सैकड़े के अंक का गुणा करना शुरू करेंगे, तो यहाँ दहाई के अंक तक क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे, और फिर गुणा करना शुरू करेंगे, तो 2 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, फिर 2 6 का 12, 12 1 13, 13 का 3 हो जाएगा, फिर 2 चौको 8, 8 1 9 हो जाएगा, और फिर 2 दुन्ना 4, 4, और हासिल यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो यहाँ पूरा 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 जगह पर खाली स्थान छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, और उसके बाद फिर 1 का मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 5 5 हो जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्याएँ उतर आएंगी, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जो है हम जोड़ लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 6 5 11, 11 का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 दुनी 18 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा, उसके बाद हासिल 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 6 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 7 7 2 9 हो जाएगा, 9 का 9, 9 2 18 हो जाएगा, और 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 4 8, और 8 2 10 हो जाएगा, 10 का 0, फिर 2 1 3 हो जाएगा, तो हमारा 4 अंकों का ये गुणा हो जाएगा, और इस प्रकार से जो है इसका हल निकल आएगा। उसके बाद देखिए कुछ ज़रूरी बातें और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उसको 1 से गुणा करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, 10 दिया है, 10 को 1 से गुणा करना है तो क्या आएगा, या 100 दिया है, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर स्वयं वही संख्या आती है, वो चाहे जितनी छोटी संख्या हो और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो 1 ही आएगी, सॉरी वो वही संख्या स्वयं आएगी, अगर 1 से गुणा करेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। उसके बाद देखिए यानी कि यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएगा, और यहाँ 100 एकम 100 हो जाएगा, यानी कि कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, अगर हम
एक से मल्टीप्लाई उसका करेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर किसी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे, यानी मान लीजिए यही संख्या ले लीजिए 10 का, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, या मान लो 1000 है, 1000 का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, किसी भी संख्या का जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो संख्या जीरो हो जाती है, यानी कि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और चाहे जितनी छोटी संख्या हो, अगर इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या जीरो हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अगर किसी संख्या को, यहाँ पर देख लीजिए ये जीरो हो जाएगा, किसी संख्या को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको बिना हल किए हुए हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 2, 5, 6, इसको मान लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं, जो संख्या है यानी कि ये पूरी संख्या क्या करते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि स्वयं वही संख्या आ जाएगी, 256 आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे इसके 2 जीरो बढ़ा देंगे और इसका ये जो है गुणा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या उतार करके और उसी के आगे 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो वही संख्या उतार करके 3 जीरो बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार अगर जो है 10000 से गुणा करना है तो 4 जीरो बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या हो और उसमें जो है जीरो वाली संख्या, यानी 10, 100, 1000, 10000, इनसे गुणा करना हो तो जितने जीरो आगे लगे हुए हैं उतने जीरो बढ़ा लेंगे और इस प्रकार से हमारा गुणा जो है निकल आएगा। उसके बाद देखिए, अब भाग की संकल्पना को देखेंगे कि भाग कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक टोकरी में मान लीजिए 10 फल रखे हुए हैं और उसमें से रमेश ने 2 फल मान लीजिए निकाल लिए तो कितने बचे, 8 बचे। उसके बाद मान लीजिए 2 फल, उसके बाद मान लीजिए 2 फल और निकाल लिए तो कितने बचे, तो यहाँ पर 6 बचे। इसी प्रकार अगर 2 और निकाल लिए तो कितने बचे, तो यहाँ पर 4 बचे। और फिर यहाँ पर अगर 4 में से फिर 2 निकाल लिए तो कितने बचे, तो यहाँ पर बचे 2। और फिर 2 निकाल लिए तो कितने बचे, 0। तो इस प्रकार से देखिए, 5 बार 2 2 फल निकालने पर धीरे धीरे क्या हुआ, पर लास्ट में सारे फल खत्म हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हम क्या करते, 10 को अगर हम 2 से भाग कर देते तब क्या हो जाता, 2 पंचे 10, यानी कि 2 2 करके 5 बार में फल निकाले गए हैं तो यहाँ पर 5 आया है। देखिए, यहाँ पर 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा 5 जो है भागफल आ जाएगा। ये भाग से संबंधित अब कुछ पॉइंट और जान लीजिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, किसी संख्या से शून्य को भाग करने पर, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे दिया हुआ है 25, और 25 को अगर मान लीजिए 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यानी किसी संख्या से शून्य को भाग करेंगे। देखिए, किसी संख्या से अगर शून्य को भाग करेंगे तो शून्य आएगा, लेकिन किसी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे तो देखिए अनंत आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, यानी किसी संख्या को 0 से भाग करने पर अनंत आता है। और मान लीजिए यही काम अगर इस तरीके से करेंगे, 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे, मान लीजिए इसी भी संख्या को पलट दिए, यहाँ पर 0 को 25 से अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी किसी संख्या से 0 को भाग करने पर 0 आता है, और किसी जो है 0 को किसी संख्या से भाग करने पर अनंत आता है, और किसी संख्या को 1 से भाग करने पर स्वयं वही संख्या आती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 25 है और 25 को अगर 1 से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। और उसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर, मान लीजिए जैसे दिया हुआ है
48, और 48 को 48 से अगर भाग करना हो तो देखिए किसी किसी संख्या को जो संख्या है उसी संख्या से अगर भाग करना हो तो हमेशा भागफल क्या आता है, 1 आता है। यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर क्या आता है, 1 आता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।